क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को बीसीसीआई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है? क्या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारी फ्रीडम मिल रही है? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे संजय मांजरेकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बात करते हुए कहा कि देखिए, पहले टेस्ट मैच में दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में नजर नहीं आए। मुझे यकीन है कि यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आएंगे, अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो आप ये बीसीसीआई स्पेशल स्टेटस दे रहा है, जो स्पेशल फ्रीडम दे रहा है, लग्जरी जो दे रहा है यहाँ पे खिलाड़ियों को, कुछ खिलाड़ियों को, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी नहीं खेली, वो देना शायद उनको बंद करना पड़े। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से बाकी खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ रहे थे, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी दिलीप ट्रॉफी खेलते तो वो और ज़्यादा रिदम में रहते, और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाते, और कहीं ना कहीं उनकी जो रिदम है, जो उनके एक मोशन उनकी बॉडी का है, वो ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सवाल उठाएं। अब ये बात जो लगातार हम कर रहे हैं कि जब सभी खिलाड़ी खेल रहे थे तो आखिर यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली की हम बात करें तो उनको क्या खेलने में दिक्कत थी, क्यों आखिर उनको मना किया गया? और जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं पहले टेस्ट मैच से पहले ठीक, तो कहते हैं वी आर प्रोफेशनल्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खेलते हुए नजर यहाँ पे आएंगे। लेकिन पहले टेस्ट मैच में दोनों ही खिलाड़ियों का यहाँ पे बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। आगे संजय मांजरेकर ने कहा कि देखिए, वो फॉर्म में वापसी भी कर लेंगे, रन बनाना भी शुरू कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि आखिर क्यों आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं? या तो आप सभी खिलाड़ी को दीजिए, क्योंकि अगर आप देखें दूसरी तरफ शुभमन गिल, यशस्वी, ध्रुव, ऋषभ पंत, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हर कोई खेलता हुआ नजर आ रहा था दिलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करें। और साथ ही साथ जो लोग कहेंगे कि भाई बुमराह भी तो नहीं थे, बुमराह का प्रॉपर वर्कलोड मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है, तो इस वजह से उनको यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन रोहित, विराट का कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं था, उन्होंने खुद ही यहाँ पर खेलने से मना कर दिया था। जब बीसीसीआई के जो सचिव है जय शाह से पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखिए, वो नौकर नहीं है हमारे, वो सर्वेंट नहीं है, वो अच्छी तरह से खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो वहीं पे वो डिबेट खत्म हो गई थी कि क्या दिलीप ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए बीसीसीआई या कोच उनको बाध्य कर सकता है, कि उनको मैंडेटरी बना सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी खेलनी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब इसी बात पे पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर क्यों उनको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है। वैसे आप लोगों की क्या राय, जो संजय मांजरेकर ने बयान दिया, क्या सच में विराट कोहली और रोहित शर्मा को स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? आप लोगों की क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।